ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये नहीं है कि जिस क्रैकर्स से ग्रीन कलर निकलता है, ग्रीन क्रैकर्स को ये बोला जाता है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, क्योंकि क्रैकर्स में बहुत पॉल्यूटेंट्स होते हैं, खास करके SOX, NOX और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको हम लोगों को कंट्रोल करने का ज़रूरत पड़ता है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा, हम लोग जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ किए हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जैसे पार्टिकुलरली जो सल्फर बेस्ड होते हैं, इसमें क्या होता है कि क्रैकर में दो चार मेन एलिमेंट होते हैं, एक है सोर्स होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एक सबसे बड़ी बात है कि जो कि कलरिंग एजेंट होते हैं। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से कमर्शलाइज तब होगा जबकि हमको रेगुलेटरी अथॉरिटीज का जो क्लियरेंस मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग टेक्नोलॉजिकली वी शुड बी हम लोग फ्री हो जाएंगे कि 3 मंथ तक हम लोग फ्रीज कर देंगे उसको।